नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिला अयोध्या तो पहुंच गई है। करीब 6 दिनों की यात्रा के बाद 2 शालिग्राम शिला राम सेवक पुरम पहुंची। इसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ इसका पूजन किया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों शिला 6 लाख साल पुरानी है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेपाल से 2 ट्रकों से शिलाएं लाई गई है। एक शिला 26 टन की है तो दूसरी 14 टन की। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं 2 शिलाओं पर उकेरी जाएगी, जो नेपाल की काली गंडकी नदी से मिली है। ऐसे में शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व की समझ नहीं रखने वाले लोगों के मन में पिछले कई दिनों से एक ही सवाल है कि इसी शिला से ही रामलला की मूर्ति क्यों बनेगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। शालिग्राम की गिनती भगवान विष्णु के 24 अवतारों के तौर पर होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इस पत्थर की पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप के तौर पर होती है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह रूप के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वो नारायण का गोपाल स्वरूप है। वहीं अगर शिला मछली के आकार दिख रही है तो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों का प्रतीक मानी जाती है। यही वजह है कि पूजा के लिए शालिग्राम के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सीधे रखकर इस शिला की पूजा की जा सकती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर की विशेष अहमियत है। सनातन धर्म से जुड़े पुराणों में शालिग्राम का महत्व बताया गया है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम नहीं है वह शमशान के समान है। पद पुराण के मुताबिक जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ के समान होता है। शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान है। इसके दर्शन और पूजन से बाधाएं दूर होती हैं और घर समेत पूरे वातावरण में खुशहाली आती है। कहा जाता है कि शालिग्राम की पूजा करने से पाप धुलते हैं, दुख दूर होते हैं। शालिग्राम शिला के जल का जहाँ जहाँ छिड़का जाता है वहाँ वहाँ यज्ञ किए जाने का पुण्य प्राप्त होता है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम पत्थर का मिलना बेहद मुश्किल होता है। ये पत्थर हर जगह आसानी से नहीं मिलते हैं। ज्यादातर शालिग्राम पत्थर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। ऐसे कई रंगों में पाए जाने वाले शालिग्राम का सुनहरा स्वरूप सबसे दुर्लभ माना जाता है। देव उठौनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। एक कथा के अनुसार तुलसी ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया था, इसीलिए भगवान विष्णु को शालिग्राम बनना पड़ा और इस रूप में उन्होंने माता तुलसी, जो कि लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, उनसे विवाह किया। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं।